नमस्कार, स्वागत है आपका 360 के साथ। मैं कुणाल गोयल। अभी सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको जोटपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन आपके सामने एक ऐसे दिग्गज नेता है जिन्हें जिनकी लड़ाई लंबी है, पर आप कैसे देखते हैं पूरे प्रकरण को? लड़ाई सबसे लंबी एक छात्र नेता की है जी। जिन परिस्थितियों से, जिन संघर्षों से वो जूझते हुए अपना सफर तय करता है, उससे लंबी लड़ाई और किसी की नहीं है। छात्र नेता से मुख्य धारा की राजनीति में प्रवेश किया है आपने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने अपने अरावल दस्ते एनएसयूआई को एक विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने का मौका दिया है और अरावल दस्ता अपनी प्रकृति के अनुरूप पूरी तन्मयता और उत्साह के साथ, पूरे समर्पण के साथ अपने काम को पूरी ईमानदारी से कर रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई है। आपको जोटपाड़ा विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी बनाया गया है। मेरा सवाल आपको ये है कि आपको छात्र राजनीति से मुख्य धारा में आपने प्रवेश किया है, कैसे देखते हैं? छात्र राजनीति में भी बड़ी बेबाकी से, बड़ी निडरता से नौजवानों के लिए, जरूरतमंदों के हकों की लड़ाई के लिए लड़ते आए हैं। वहाँ लड़ते लड़ते ही लड़ना सीखा है, वहाँ लड़ते लड़ते ही अधिकारों के लिए लोगों को जगाना सीखा है। आज मुख्य धारा में प्रवेश करने का मौका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक नौजवान को दिया है, तो नौजवान अपने पार्टी के प्रति, अपने कमिटमेंट पर मजबूती से खड़ा रहेगा, प्रयास करेगा कि जिस मजबूती से सड़क पर लड़ता था, उसी मजबूती से सदन में लड़ेगा। जिस पार्टी से आप आते हैं, वहाँ के पूर्व विधायक लाल सिंह कटारिया साहब हैं, पर आपके साथ वो नहीं दिख रहे हैं अभी। कोई व्यक्ति साथ में खड़ा हो तभी ऐसा माना जाए कि भाई वो साथ में है या नहीं है, तो इस आकलन का तो कोई तर्क वितर्क नहीं है। भाजपा रूप से आदरणीय लालचंद कटारिया साहब का एक बड़ा अनुभव जिले की राजनीति को लेकर और जोटवाड़ा विधानसभा की राजनीति को लेकर रहा है। साथ में है या नहीं, इसमें इतना बता दीजिए। निश्चित रूप से साथ में है। उनकी इच्छा के बगैर, उनकी मर्जी के बगैर जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी भी तय नहीं हो सकता। अभिषेक, आपके सामने बड़े बड़े दिग्गज खड़े हुए, राजपाल सिंह शेखावत खड़े हुए, केंद्रीय मंत्री खड़े हुए, कैसे देखते हैं पूरे प्रकरण को? अपनी जीत कहाँ देखते हैं आप उसमें? छात्र राजनीति और दूसरी राजनीति में बस ये एक ही खास फर्क है। छात्र राजनीति छात्र नेताओं को निडरता से लड़ना सिखाती है, उन्हें ये बताती है कि कैसे मैच को रोमांचक करना है और कैसे रोमांचक मैच का सामना करना है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका।